बांग्ला अनेक शक्तिशाली मने रखबेन स्लोगान है और कोई दूसरा स्लोगान नहीं है। यहाँ से ममता दीदी चढ़ी थी, देख रहे हो गाइस आप लोगों के प्यार से कितना तरक्की हो गया। और यहाँ पे सारे नेता थे और यहाँ पे मतलब ममता दीदी स्पीच दे रही थी, अभिषेक भाई स्पीच दे रहे थे। तो यहाँ पे चौरंगी है, पीछे चौरंगी दिख रहा होगा आपको, पुलिस भी तैनात है। ऐसा नहीं कि पुलिस हट गई, नहीं पुलिस अभी भी है। फिर भी मैं हम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड बेस्ट। जुमा का दिन है भाई, आज कोलकाता में हेवी वाला प्रोटेस्ट जा रही है गाइस। बोले ना ममता दीदी पूरा कोलकाता को पूरा वेस्ट बंगाल के इकट्ठे कर लिए, तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आज। पहले नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो गया, पहले नमाज जाके पढ़ते हैं उसके बाद फिर। और ये ब्लैक चश्मा लगाने का रीज़न ये है ना कि मेरा भरपूर वाला आँख आया हुआ भाई, इस वजह से मैं इसको ओपन करूँगा आप सबको आँख आ जाएगा। इस वजह से मैं लगा के ही मतलब पूरा रात 24 घंटा लगा ही के रह रहा हूँ। तो अभी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आए फिर चलते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में। और होली कुरान का भी प्रोटेस्ट है जहाँ पे मतलब हमारे कुरान के ऊपर जो बोले तो ब्रिटेन में ये हुआ था मतलब जलाया गया, तो उस पर भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग मतलब मुस्लिम स्ट्रीट में हो रहा है गाइस, और वो चीज़ें मतलब तल्ला में हो रहा है, दोनों तरफ कवर करने वाला हूँ। बस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, काम बहुत ज़्यादा है और बोले तो टाइम बहुत कम है, तो बस निकलना पड़ेगा गाइस। कदर देख रहे हो, वाह लोग अब वापस आ रहे लग रहा ना। और गाइज आफ्टर नमाज हम आ गए भाई रोड पे, रोड पे देख रहे हो सब लोग कितना भर भर के लोग आ रहे जा रहे। ये जो बसें दिख रहा ना भाई, सब बुकिंग वाले लोग मतलब दूर दूर से बंगाल से लोग बुकिंग करके लोग आए हुए हैं। अरे बाप। और गाइज हम आ गए हैं बाबा टी, थोड़ा चाय पी लेते हैं उसके बाद। मौसम इतना खतरनाक होया हुआ ना क्या। फाइनली गाइज गाड़ी तो भाई वहीं पे खड़ा कर दी क्योंकि गाड़ी अलाउड नहीं था आगे और बढ़ना, तो हम गली गली से निकल रहे शेष की तरफ, देखते हैं पहुंच पाते या नहीं, मुश्किल है भाई। और ये दिख गया मेरे को पहला बैनर, ठीक है। आज का रैली को देख के ना मेरे को रोड पे भाई बाइक और ऑटो के अलावा और कोई तीसरा गाड़ी दिख ही नहीं रहा गई, खाली बाइक और ऑटो। और यहाँ भाई बंगला साइड से लोग बस भर भर के बस बस आ रहे हैं, और वहाँ बना है ममता दीदी का स्टेज, देख रहे हो गाइस। भाई हो गया है नमाज का टाइम गाइस, तो चलते हैं पहले नमाज पढ़ते हैं उसके बाद फिर से रैली में शरीक होया जाएगा और देखा जाएगा, स्पीच सुना जाएगा ममता दीदी का भाई कैसा स्पीच होता है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे आए ना तो पता चला भाई कि ममता दीदी का स्पीच तो खत्म हो गया, तभी इधर आदमी मेरे को दिख नहीं रहा। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले देखे रही साला आदमी नहीं दिख रहा, और यहाँ पर से ममता दीदी स्पीच दी थी, ठीक है ना। अभी हम लोग जाने वाले ऊपर, थोड़ा फोटो शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे। और गाइस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा स्टेज पे, किस टाइप से ममता दीदी थी वहाँ पे, किस एंगल में वो स्पीच दे रही थी, वो चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया, बहुत ज़बरदस्त एरिया भाई, चौरंगी एरिया में यहाँ पे मतलब ममता दीदी का इजलास हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है भाई। और मैं सब कुछ ऊपर जाके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये था भाई उनका सीढ़ी, यहाँ से ममता दीदी चढ़ी थी, ठीक है ना। ट्यूटोरियल बता रहा हूँ पूरा यार, कितना लंबा है जगह में मतलब इन लोगों ने बनाया भाई। अब फाइनली आ गए हैं हम ममता दीदी की जगह पे, और यहाँ पे उनका स्पीच चल रहा था जहाँ पे अफरीदी खड़ा है, देख रहे हो गाइस आप लोगों के प्यार से कितना तरक्की हो गया। तो फाइनली मैं आज ममता के स्टेज पे हूँ भाई। एक्चुअली ममता दो घंटा पहले ही चली गई यहाँ से, और यहाँ पे लोग आके फोटो शूट, बड़े बड़े नेता लोग भी फोटो शूट कर रहे हैं भाई कि बाद में कोई मंच पे कहीं काम आएगा। और फाइनली देख सकते हो यहाँ पे चौरंगी है, पीछे चौरंगी दिख रहा होगा आपको, पुलिस भी तैनात है। ऐसा नहीं कि पुलिस हट गई, नहीं पुलिस अभी भी है। फिर भी मैं हम लोग थोड़ा हिम्मत करके ऊपर तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे सारे नेता थे, और यहाँ पे मतलब ममता दीदी स्पीच दे रही थी, अभिषेक भाई स्पीच दे रहे थे। तो देख सकते हो कितना तगड़ा वाला व्यू, और व्यू इधर का देखो ना भाई, टीपू सुल्तान मस्जिद है इधर, कितना ज़बरदस्त एरिया। बोले जो अभी तक अभी बस चल रहा ना, सब बुकिंग वाले लोग जा रहे, जो बंगला साइड से आए थे ना वो लोग सब जा रहे भाई।
और ऑटो के अलावा यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा था भाई। फाइनली देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यूज अभी। भैया हम वहाँ से नीचे उतर गए, अब जा रहे हैं अपने मार्केट की तरफ। और ये रहा हमारा खूबसूरत टीपू सुल्तान मस्जिद, और आगे मैं मार्केट दिखाने वाला हूँ गाइस। यार ऐसा चप्पल है ना मेरा कि पूरा जो पैजामा था ना वाइट वाला पूरा ख़त्म हो गया, बोले तो पूरा कादा कादा हो गया गाइस। लड़का का बाल देख रहे हो, बाल ओ हो दिखा 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 छोटी दिखा छोटी। और बैरिकेड देख रहे हो भाई, बड़ा हेवी वाला बोले तो मजबूत वाला बैरिकेड बनाया गया था, नदी से सब लकड़ी उठा के लाया गया था इसमें। गाइस यार इतना थका हूँ, अफरीदी को बोल रहा हूँ यार थोड़ा सा फलूदा खिला दे, तो बंदा बोल रहा पैसा ही नहीं है। फलूदा खिलाएगा? हाँ वहाँ खिला देंगे। वीडियो के चक्कर में बंदा बोल रहा है वहाँ खिला देंगे। ज़्यादातर मार्केट ना मेरे को क्लोज दिख रहा भाई आज, खाली एक दो चार ऐसे मार्केट हैं जो खुले हुए हैं भाई। ये सब बुकिंग वाले लोग भाई अभी निकल रहे हैं, जो मेरे तरह भुक्कड़ है ना वो दुकान खोल के गाइस। फाइनली हम वहाँ से आ गए भाई, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बोले ना दो घंटा मुसलसल वहाँ पे रहे हैं, इंतज़ार किए, बट फाइनली में लास्ट में पता चला भाई स्पीच स्पीच सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब गए घर पे, और आपको ये चीज़ें इसका सीक्रेट में दिखा दूँ, देख रहे हो गाइस बहुत तगड़ा वाला। बोले ना अब इसमें थोड़ा सा गुलाब का पानी और दवा डालने वाले हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स होके फिर उसके बाद देखेंगे कैसा रहा रह रहा है। और इसके बाद एक और मलहम, अगर फिर भी सही नहीं होता एक और मलहम लगाना पड़ेगा। डाल देना बाबू शबाज भाई। हाँ डाल देना भाई, हाँ डाल देना। हम शबाज को बोल रहे हैं कि ममता के साथ फोटो लिए हैं, और ममता बोली किसी को नहीं दिखाना, तो हाँ सर बोला दिखाओ दिखाओ। तो ममता बोली है ना गाइस कि किसी को दिखाना नहीं मेरा फोटो। डाल दे कहाँ गुलाब की तरह। वैसे गाइस हमको जाने का वहाँ पे बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बट ऑडियंस का मोहब्बत में भाई वहाँ तक चले गए। देख रहे हो किस हाल में हम गए, इतना गड़ रहा था ना, इतना लहर रहा था, इतना दर्द कर रहा था ना, एक एक कदम चल रहे तो लग रहा मेरा आँख गिर जाएगा ऐसा फील हो रहा था, बट फिर भी कोई नहीं, कीप सपोर्टिंग बस, और कुछ नहीं चाहिए।